सोयत कलान किसान द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर समस्या का समाधान करने पहुंची विद्युत विभाग की टीम जहां सुपरवाइजर भरत शाह द्वारा बताया गया कि कृषक जगदीश कलवाड़िया को 5 पोल की लाइन स्वयं के खर्चे पर 5% जमा कर शेष राशि ठेकेदार के माध्यम से मटेरियल का खर्च उठाकर लाइन खड़ी कर सकते हैं अथवा फुल डिपॉजिट में पूरी राशि कार्यालय में जमा कराने पर विभाग द्वारा नियमानुसार सही कर दी जाएगी। मौके पर जगदीश कलवाड़िया शिकायतकर्ता द्वारा उक्त माध्यम से कार्य कराने की सहमति प्रदान की गई। राशि जमा कराने के लिए तैयार हैं? हाँ तैयार हैं। और लाइन भी गड़वाने के लिए? हाँ तैयार हैं। तो फिर शिकायत को वापस क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जब निराकरण हो गया तो नहीं निराकरण तो उसमें क्या है कि मेरे को बताओ ना कि इतनी राशि आएगी उसके हिसाब से मैं टोटल जितने भी उपभोक्ता है उनसे अरेंज करके और आपके डिपार्टमेंट में वहाँ पे डिपॉजिट करके और उसके बाद फुल डिपॉजिट करोगे तो राशि जो है पूरी आएगी ठीक है। और 5% राशि अगर जमा कराओगे आप तो 5% सुपरविजन में हमारे यहाँ सिर्फ सुपरविजन राशि जमा होगी, शेष ठेकेदार के माध्यम से आपको परचेस करना पड़ेगा। तो वो 5% सुपरविजन के तहत आपके डिपार्टमेंट में कितनी राशि जमा होगी? जो एस्टीमेट बनेगा उसका 5%। नहीं तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल भी अगर 1 लाख का बनता है तो उसका 5,000 रुपये हमारे यहाँ जमा होगा, शेष राशि आपको ठेकेदार के माध्यम से आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आप एक अनुमानित जैसे आपने बताई कि लगभग इतने पोल लग रहे अपने 4 या 5 पोल लग रहे हैं अनुमानित जैसे कि उसमें 30,000 मैक्सिमम है ना नहीं, तो आपके यहाँ पे 30 या 40 हाँ तो इसका आपके पास में 5% सुपरविजन के तहत आपके यहाँ पे 3,000 जमा होंगे है ना, यही कहना है। तो ठीक है ये राशि हम कलेक्ट करके नहीं नहीं तो 30,000 का एस्टीमेट जो बनेगा उसकी राशि बता रहा हूँ मैं। एस्टीमेट क्या बनेंगे बोले ने? ये तो हम बनाएंगे आप ऑफिस में बैठ के बना देंगे वो। हाँ तो वो बना देना, हाँ वो ऑनलाइन बना देना और मैं आके उसमें चेक करके ऑनलाइन बनता है सर, जो सामान लगेगा हम डिमांड नोट देंगे ना आपको। हाँ हाँ वो डिमांड नोट दे, पूरा डिमांड नोट दे। हाँ बिल्कुल डिमांड नोट हम आपको बुलाए थे, आप आए ना कल कर लेंगे। नहीं आपने कब बुलाया मेरे को? बुलाया है ना हमारे आपको। नहीं 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 आप बिल्कुल कल ही बुलाए, कल ही आप समय दे दीजिए उसमें मैं आ जाऊँगा कल सुबह। हाँ बिल्कुल, कितने बजे आना है? ठीक है।